Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, grade 7. How are you all? I hope you all are fine and you all are doing well. Today we are going to do question number 3 and 4 of exercise 5D. Question number 3 is, a van can ferry a maximum of 12 people. एक वैन जो है वो मैक्सिमम 12 पीपल्स को वो लेके जा सकती है बाय सिटिंग अप एंड एन इक्वालिटी फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ वैन्स दैट आर नीडेड टू फेरे 80 पीपल्स. हमने वो नंबर जो है फाइंड करना है जो कि 80 पीपल को लेके जाने के लिए जरूरी है. एक एक वैन में जो है 12 पीपल जा सकती हैं, वो 12 पीपल्स को लेके जा सकती है और हमें 80 पीपल्स के लिए वैन का नंबर फाइंड करना है कि 80 पीपल्स को कितनी वैन्स में लेके जा सकती हैं. एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज, फाइंड द स्मॉलेस्ट रैशनल वैल्यू ऑफ y दैट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी 8 लेस देन इज इक्वल टू 7y. और हमें एक वैल्यू जो है y के लिए सेटिस्फाइड जिससे उसकी इनइक्वालिटी जो है ना वो सेटिस्फाई हो और हमें एक वैल्यू फाइंड करनी है y के लिए. क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज, लेट द नंबर ऑफ वैन्स दैट आर नीडेड टू फेरे 80 पीपल्स बी x. अगर हम सपोज कर लें कि जो नंबर ऑफ वैन्स है वो x है, देन 12x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80. 12 पीपल्स को एक वैन लेके जाती है ना, और हमने यहाँ पर वैन्स को x सपोज किया है. So 12x greater than and equal to 80, x greater than equal to 80 over 12. ये 12 जो है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया है. अब इसको डिवाइड कर देंगे, इसको आप डिवाइड करोगे 80 को डिवाइड करोगे 12 से, x greater than equal to 6 whole 2 over 3. जब आप 80 को डिवाइड करोगे ना 12 से, तो आपके पास आंसर आएगा 6 whole 2 over 3. द मिनिमम नंबर ऑफ वैन्स का जो नंबर है मिनिमम दैट आर नीडेड टू फेरे 80 पीपल्स इज 7, जो के 80 पीपल्स को लेके जा सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2/3 है ना, अब वैन हाफ तो नहीं हो सकती है ना, अब उसको हमें कंप्लीट लेना पड़ेगा ना नंबर. सो हम क्या करेंगे, 6 और वैसे तो हमें 2/3 सीट्स चाहिए, बट अगर हम अब हम क्या करेंगे, हम 7 लेंगे नंबर, क्योंकि हम वैन को हाफ नहीं कर सकते, इसलिए हमें यहाँ पर 7 नंबर ऑफ वैन्स की नीड है. एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज, 8 लेस देन इज इक्वल टू 7/y. 8 लेस है, तो अगर हम इस तरह से भी राइट कर देंगे ना, 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो ये भी हमारे पास बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट होगी. 7y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8, 8 से ग्रेटर है 7y. और अगर हम इस तरह से देखते हैं कि 8 लेस देन 7y, इसमें भी यही है कि 7y ग्रेटर है तो 8 लेस होगा ना. सो अगर हम इस तरह से भी राइट कर देते हैं 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो ये भी हमारे स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ठीक है. y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 ओवर 7, ये 7y के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया. नाउ वी डिवाइडेड 8 बाई 7, 8 को 7 से डिवाइड कर देंगे एंड वी गेट 1/7. y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1/7. द स्मॉलेस्ट रैशनल वैल्यू ऑफ y इज 1/7. I hope you people got it. If you get any confusion, so please let me know. I will explain you again. Have a good day. Love you.